Hey friends, welcome back to my channel, The Foodie Nightingale. तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ साबुदाना खीर, जो बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी मानी जाती है और बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट से बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप साबुदाना। इसे हम एक बोल में डालेंगे और अच्छे से इसे पानी से धो लेंगे। अब इस पानी को आप एक सीव के थ्रू छान लीजिए। अब साबुदाना को वापस एक बोल में डालेंगे और 500 ml दूध डालकर इसे 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें। अब एक कढ़ाई या एक डीप बर्तन लीजिए, उसमें 1 से 2 बड़े चम्मच पानी डालिए और 1 लीटर दूध डाल दीजिए। लो से मीडियम फ्लेम रखें गैस की। इसमें भीगा हुआ साबुदाना भी डाल दें। दूध और साबुदाना उबलने दें और इसे बीच बीच में करछी से चलाते रहें। साथ ही 2 से 3 इलायची डाल दें। आप चाहें तो इसमें पाउडर इलायची भी यूज कर सकते हैं। चॉप किए हुए काजू बादाम, किशमिश, पिस्ता, ये सब डाल सकते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। अच्छे से मिला दें। एक बोल में 2 चम्मच दूध के साथ मैंने कुछ केसर मिलाकर रखा था, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक इसे उबालते रहें। जैसे ही इस कंसिस्टेंसी का आ जाए, इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क 200 ग्राम और इसे 2 मिनट के लिए और पकाकर गैस ऑफ कर देंगे। पर देखिए, साबुदाना खीर बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो गई है। इसे आप जैसे भी खाना चाहे खा सकते हैं, चाहे तो गर्म खाइए, चाहे ठंडा करके खाइए। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो भी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।